मुझे नहीं पता था कि ये एक रैंक आ जाएगा, काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। इससे पहले मैं इनकम टैक्स में जॉब करता था एज इंस्पेक्टर, और लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करा था, तो उसके बाद मैंने अभी रैंक करा हुआ है IRS कस्टम्स एंड एक्साइज। इसमें जब मैंने स्टार्ट करा था तो तब मैंने थोड़ा हेल्प कर दिया था कोचिंग का, बट अभी पिछले काफ़ी टाइम से तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स भी उनका सपोर्ट रहा, उनके साथ हम पढ़ाई करते थे। चैलेंजिंग तो है, आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो चैलेंजेस तो आपके सामने हमेशा ही रहते ही हैं, और हम जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आगे हमारे देश के सामने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी हैं, पहले भी थी, तो कोशिश करेंगे कि हम उनको लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ आगे। पहले उनका सी जी एल में इंस्पेक्टर रैंक पर हो गया था जी, उसी दौरान वो यूपीएससी की तैयारी करे थे, वो जब कह रहे थे मैं इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दूँ, वहाँ भाई तू इंस्पेक्टर की नौकरी रखे रहो, और उसी के दौरान उन्होंने तैयारी करी। पिछली बार उनका IRS में हो गया था 260 रैंक का, तो फिर उसके बाद उन IRS ज्वाइन करने के बाद छुट्टी ले गए ना, फिर इसके लिए तैयारी करी, तो हम उम्मीद करे थे कि आपकी बार अच्छा रैंक आ जाएगा इसका, जब इन्होंने पढ़ाई नौकरी करते करते 260 रैंक आ गया। बस यही है जी, अच्छी मेहनत करें, इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं, जो अच्छी मेहनत करता है उसी को रिजल्ट मिलता है। जो भी बच्चे इस कैंडिडेट्स हैं जो इसमें तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और जब भी कभी आपको लगता है कि आप इसके लिए नहीं बने हैं या आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा सबके लाइफ में आता है कभी ना कभी एक मोमेंट, तो आप अपने उस रीज़न को याद करिए जिसकी वजह से आपने तैयारी करनी स्टार्ट करी थी, और वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा जी। देखिए, मेरे लाइफ में मेरे सबसे मेन प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं, उन्होंने हमेशा हर तरह के मोमेंट में मुझे सपोर्ट करा है, मोटिवेट करा है। एक बार जब मैं जॉब करता था तो मैंने डिसाइड करा कि मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा, मैं नहीं कर पाऊँगा जॉब के साथ तैयारी करते हुए, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा कि नहीं, अगर जज्बा है तो आप कर सकते हैं, और मुझे ये करना है। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट करी, और आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो उनका सबसे बड़ा हाथ इसमें है, मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा।